भैया यार दो समोसे खिला दो यार। यार ये समोसा ट्राइंगल क्यों होता है? अरे रुक रुक नीचे रख। क्यों? लेट मी टेक पिक्चर्स बस। एक काम कर, तू पिक्चर्स खींच ले। यू नो व्हाट, मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं ना ब्लॉगर ही बन जाती हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बन जाता। क्या बात है यार, क्या बात है। और भाई क्या हाल है? तू क्या केबीसी देख रहा है? क्यों? ऐसे ही यार बस। तू क्या अमिताभ बच्चन बनेगा? नहीं, वो जिसे अमिताभ बच्चन 5 करोड़ रुपए है। हाय, अच्छा 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 अच्छा, कैसे करोगे ये भाई? इतनी आसान चीज है ना केबीसी। मैं सही बताऊं, ये जो यूपीएससी के लिए तैयारी करता है, चुटकियों का खेल, ऐसे ऐसे निकलता है केबीसी। मैं इतना देख चुका हूँ। मुझे भाई यूपीएससी की तैयारी कैसी चल रही है फिर? एक काम कर, वो तो ये ले और अच्छे से देख केबीसी। यार वर्कशॉप की इतना की बताया तो तुझे, यार मुझे शौक थोड़ी है ट्रैक पैंट पहनने का। इससे तो वालों ने बोला मैंने पहन ली। भैया तुम समोसे दे दो यार। जी भैया, तुम्हें जो सही लगे। यार तूने कौन सी सोसाइटीज में वो करे अप्लाई? मैंने जो फॉर्म मिला भर दिया। आई एम प्लानिंग टू स्टेप आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। यार कोई प्रेफरेंस तो होती है। थैंक यू, मेरे खाते में लिख लेना। कुछ तो प्रेफरेंस होगी, सब में थोड़ी चली जाएगी। मैंने तो सब में भर दिया। अलग ही चौड़ है तुम्हारी, मतलब ये समोसे में क्रिस्पी क्यों है? हाय, कहाँ है तू? थैंक यू फॉर रिसीविंग द कॉल। पहले तो अभी बताओ, हाउ आर यू लुकिंग? डोप ना, वो अपने ओरिएंटेशन में देखा था क्या मस्त बाल बना के आते हैं सीनियर्स, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, मैं भी अपना हेयर कलर कर लूँ। कलर अभी आ नहीं रहा है, धूप में आ जाएगा। तो ये बता मैं लग कैसा? भाई तू ना फूल लग रहा है एकदम। और जल्दी आ यार, मैं तेरा वेट कर रही हूं समोसे के साथ। कर लिया तू भी ना। हर साल आते हैं इनके जैसे खिलखिलाते चेहरे, चुलबुली और खट्टी मीठी बातें इनकी हर रोज मैं सुनता हूँ, अतरंगी शरारतें और किस्से सुनकर मैं भी हंसता हूँ, और ऐसे ही इनकी जिंदगी का मैं एक हिस्सा बन जाता हूँ। लेकिन आप देख कहाँ रहे हो, मैं आपके सामने नहीं नीचे हूँ। ये बच्चे भी मेरी तरह क्रिस्पी हैं, कमिंग आउट ऑफ देयर बबल्स, जैसे तेल के बाहर अभी आया मैं। हर किसी के अंदर कुछ करने की चाह होती है, कुछ पाने का जज्बा होता है, और सब लोग अपने सपनों की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके होते हैं। भाई उठ जा यार, कॉलेज नहीं आ रही आज, लास्ट डेट है इंटरनल की। प्लीज डोंट टेल मी कि तूने मुझे इतनी सुबह कॉलेज जाने के लिए फोन किया। अबे ऐसा मत कर बे, 2 ही तो साल बचे हैं, यूज दिस अपॉर्चुनिटीज ना। कॉलेज सिर्फ क्लासेस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, हाँ इन्हीं तक सीमित रह गया है। मैं तो नहीं आ रही। सेकंड ईयर में चली इन सर्द ठंडी हवाओं को बनाकर गवाह, मैं कभी अपने गर्मागर्म वजूद पर डगमगा सा गया तो कभी राह में डटा रहा। मैं अपने अंतर्मन की गहराइयों में जब तक ना उतरा, मुझे अपने ठंडेपन का एहसास पता ही ना चला। लेकिन मैंने अपने लाजवाब मसाले से फिर भी अपने हुनर का तड़का लगा ही दिया। हाँ नैना यार, आज कॉलेज जाने का एकदम मूड नहीं हो रहा यार, पंख मारे क्या? इंदिरा का वादा है, अगर मुझे पीएम बनाओगे तो उस समोसे के साथ एक नहीं दो नहीं पूरी की पूरी 3 चटनी। यार ये समोसा ट्रायंगल ही क्यों होता है? India has become the latest and largest country to introduce a nationwide lockdown. As far as India's fight against COVID-19 is concerned, 3 billion people are staying home in the biggest ever lockdown in the world amid surge of positive. Its population of 1.3 billion has been told to stay at home. Just introduce yourself and tell me how are you planning.
planning to contribute to this company? Sure, sir. I am Anand P. Chandran and I hail from Kerala. I think three fantastic years. मैं अपने गर्म और जोशीले अंदाज से सबके जुबान पर राज कर ही रहा था कि इस उमस ने आकर मुझे पसीने से तरबदर कर दिया। ना तो मंजिलें खुद चलकर आती हैं और ना ही मुसीबतें, मगर किसी भी सूरत में मैंने हारना नहीं सीखा। भाई बहुत हो गया है यार, तब से घर पे बैठे हैं। खुलवा दो यार कॉलेज, माँ तक शक्ल देखकर बोर हो गई है मेरी। यार आई स्वेयर, मेरे दो वैक्सीन्स लगे, मैं कॉलेज भाग रहा हूँ, रहना ही नहीं है मुझे यहाँ। एक सेकंड, कॉलेज तो भाग जाएगा, गार्ड भैया का क्या करेगा? ओ, अबे यार, इस दिन इतना मेरा फेयरवेल भी ऑनलाइन ही हो गया यार, ये क्या है? इस साल तो वैसे भी सारे फेस्ट मिस ही हो गए हमारे। ओ यार, फेस्ट का सीन कितना अमेजिंग होता था, मक्का मदीना सब मिस हो गया यार। Fest also and remember department trips कितने cool होते थे। Other than that, a cat blog, BRC. Nostalgia. BRC best होता था यार। Guys, it's fine. अब तो सब memories हो बन गए। चलो यार, मैं जा रहा हूँ यार, मिलते हैं। Bye guys. अक्सर ये सवाल इन बच्चों के जहन में आया है कि ये समोसा आखिर ट्रायंगल ही क्यों होता है? शायद उसके तीन कोने कॉलेज के तीन साल दर्शाते हैं। मिलकर ये तीन कोने आकार ले ट्रायंगल का, नई उमंग और नई तरंग से रंग बदल दे फिजा का। ये ट्रायंगल जब आकार ले तो छाप छोड़े अपने वजूद का, अपने होने का एहसास कराए महकी महकी सुगंध सा। आप मुझे भूल तो नहीं गए? मैं वही समोसा हूं जो अपनी महकती छाप कागज पर छोड़ जाता है, जैसे कोई विद्यार्थी अपनी छाप दुनिया पर छोड़ सफलता की ओर बढ़ता है। हमने अक्सर सुना है कुछ चीजें हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं, क्योंकि वो उन यादों से जुड़ी होती हैं जिन्हें हम कभी भूलना नहीं चाहते। जी हाँ, मैं उन्हीं में से एक हूं। यादें तेरी जिद्दी बड़ी, मुझसे ये दूर जाती नहीं। कहाँ तू गई ये ना है पता, लौट के तू क्यों आती नहीं।